गिरफ्तार। वहीं गुजरात से खबर, जहां पर भूपेन पटेल आज सीएम पद की लेंगे शपथ। तो गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे भूपेन पटेल और शपथ ग्रहण में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। गुजरात के गांधीनगर में शपथ ग्रहण समारोह और शपथ ग्रहण समारोह में अन्य गणमान्य लोग भी शामिल होंगे। और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जाएंगे नवनिर्वाचित गुजरात सरकार के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। तो भूपेंद्र पटेल लेंगे सीएम पद की शपथ। तो गुजरात में नई सरकार को लेकर के अब आज इस तरीके से शपथ ग्रहण होगा, जो प्रचंड बहुमत के बाद जो जीत हुई है, और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ जाएंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और अन्य गणमान्य लोग फिलहाल शामिल होंगे। वहीं राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ ग्रहण समारोह गांधीनगर में। तो कुछ नए मंत्रियों के भी शपथ लेने की फिलहाल खबर है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपनी संवाददाता, अपनी सहयोगी स्वाति पाठक से। स्वाति, गुड मॉर्निंग। आज गुजरात में नई सरकार के गठन को लेकर के फिलहाल आज शपथ ग्रहण समारोह है, कई गणमान्य अतिथि शामिल होंगे, क्या कुछ जानकारी निकल करके आ पा रही है? जी आलोक, देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, चूंकि प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की, ऐतिहासिक जीत हम गुजरात में कह सकते हैं, और उस जीत के बाद जो तमाम बीजेपी शासित राज्य है वहां के मुख्यमंत्री गुजरात पहुंचेंगे, इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो 9:30 बजे रवाना होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कल ही दिल्ली पहुंचे थे, चूंकि उन्हें दिल्ली से गुजरात के लिए रवाना होना है, तो वो भी अब से थोड़ी देर बाद 9:30 बजे का वक्त है जब वो उत्तराखंड सदन से गुजरात के लिए रवाना होंगे। बीजेपी साफ तौर पर संदेश गुजरात से 2024 को भी देना चाहती है कि किस तरह से वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग पसंद करते हैं, और यही वजह रही कि आज से पहले इतनी सीट भारतीय जनता पार्टी की नहीं आई जितनी गुजरात में आई है, और इसी वजह से इसे जश्न के तौर पर मनाया जा रहा है। तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे और भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, तो वो तस्वीर भी ऐतिहासिक बीजेपी बनाने में जुटी हुई है, और इसीलिए तमाम जो बीजेपी के चाहे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे थोड़ी देर बाद, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे, और हम सब ने देखा था कि गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान किस तरह से प्रचार दिग्गज नेताओं ने किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार गुजरात पहुंच रहे थे, प्रचार जमकर किया गया था, तो यानी कुल मिलाकर थोड़ी देर बाद शपथ ग्रहण समारोह से ऐतिहासिक तस्वीर निकलकर बिल्कुल स्वाति कह सकते हैं कि वो ऐतिहासिक तस्वीरें अब से थोड़ी देर बाद आएंगी जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। पूरे देश की नजरें थी गुजरात में जिस तरीके से प्रचंड जीत हुई और बीजेपी के पक्ष में किस तरीके से वोट डाले, लेकिन यूपी का भी उसमें किस तरीके से योगदान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार गए और एक स्टार प्रचारक के रूप में, और बड़ी बात की स्वाति गुजरात में जब गए तो वो वहां पर भी योगी मॉडल किस तरीके से लोगों ने उसकी काफी प्रशंसा करी, क्यों स्वाति? देखिए योगी मॉडल की चर्चा पूरे देश भर में है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, इसके साथ ही जहां जहां विधानसभा चुनाव होता है वहां वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ड्यूटी लगा दी जाती है, चूंकि उन्हें लोग पसंद करते हैं यूपी के बाहर भी, अलग अलग राज्यों में भी, और इसी वजह से चाहे हम गुजरात की बात करते हैं या आगामी जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए वहां की बात करें, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां खूब प्रचार किया। स्टार प्रचारक की सूची में नाम शामिल था, और उसके बाद जिस तरह से लगातार गुजरात दौरा यूपी सीएम का रहा और वहां पर जनसभा को संबोधित यूपी के सीएम ने किया, और लोग आलोक ये भी समझने वाली बात है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लोग सुनने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचते थे, और जिस तरह से वो कांग्रेस पार्टी पे सीधे तौर पर निशाना साधते हुए देखे गए, आम आदमी पार्टी पर भी हम सब ने देखा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल पर भी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा था, और लोग उनके मॉडल को भी पसंद करते हैं, उनको जिस तरह से उनका
का लहजा कहने का होता है, लोग उसे भी पसंद करते हैं, और इसी वजह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ड्यूटी उन तमाम राज्यों में लगाई जाती है। और ज्यादातर जो है अगर हम देखें तो प्रचार यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का रहा था गुजरात विधानसभा चुनाव में, और ये भी एक नतीजा रहा जिसकी वजह से बीजेपी ने ऐतिहासिक दर्ज किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर प्रचार किया था, घर घर पीएम पहुंचे थे, रोड शो किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और इसी वजह से प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को गुजरात विधानसभा चुनाव में हुआ है। जी बिल्कुल स्वाति, आप हमारे साथ बनी रहिए, हम आपसे कुछ और भी अपडेट लेंगे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को एक खबर